नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्टूडियो पे 2019 पल्सर 150 स्टैंडर्ड वर्सेस 2018 पल्सर 180 का रियल लाइफ रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों आपको बताऊंगा दोनों बाइक में कौन सा बाइक बेस्ट है और कौन सा बाइक वैल्यू फॉर मनी है, सारा डिटेल स्टूडियो पे शेयर करूंगा। तो देर क्यों, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों लाल बटन को दबाइए और ऑटो एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल वाले बेल आइकन को छोड़ना मत, उसको भी एक बार दबा ही लीजिए, क्योंकि आपको पता चले कि ऑटो एक्सप्लेन के ऊपर एक वीडियो आया है। दोस्तों पल्सर 150 के अंदर कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, जैसा कि पल्सर 150 ट्विन डिस्क, पल्सर 150 क्लासिक नियो, पल्सर 150 स्टैंडर्ड। दोस्तों आज मैं स्टूडियो पे कंपैरिजन करने वाला हूँ, वो है पल्सर 150 स्टैंडर्ड है। और दोस्तों इस बाइक की प्राइस है 74,000 एक शोरूम दिल्ली, और पल्सर 180 का प्राइस है 84,000 रुपीज एक शोरूम दिल्ली। दोस्तों ये दोनों बाइक के अंदर क्रोम ब्लैक, डायनो रेड और न्यूक्लियर ब्लू कलर की ऑप्शन दिया गया है। बात करेंगे डायमेंशन की, तो डायमेंशन में 150 का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है। बात करेंगे वेर्थ की, तो वेर्थ में 180 पल्सर थोड़ा सा ज्यादा है, और ग्राउंड क्लियरेंस सेम है। बात करेंगे हाइट की, तो हाइट भी 150 पल्सर का थोड़ा सा ज्यादा है। शुरुआत करेंगे फ्रंट लुक से। दोस्तों ये है पल्सर 150 का फ्रंट लुक। इसके अंदर 12 वोल्ट कन्वेंशनल हेडलैम्प दिया गया है, उसके साथ ही दो पायलट लैंप भी है, हेलोजन लैंप के साथ आती है। ये है आगे की विंडशील्ड, ब्लैक कलर के अंदर आती है, और ये है फ्लेक्सिबल इंडिकेटर। आप देख सकते हो ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर जल्दी टूटता नहीं है। बात करेंगे व्हील की, तो दोस्तों इस बाइक के अंदर 17 इंच एलो व्हील दिया गया है, उसके साथ ही 240 mm की डिस्क ब्रेक है, आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसके अंदर दिया गया है, और ये है 240 mm डिस्क ब्रेक। बात करेंगे 180 की, तो 180 का आगे का लुक भी सेम ही है, और ये है हेलोजन 12 वोल्ट का बल्ब विद कन्वेंशनल हेडलैम्प, और दो पायलट लैंप भी दिया गया है, और ये है विंडशील्ड, और दोस्तों ये है फ्लेक्सिबल इंडिकेटर 180 का, और इसके अंदर भी आगे का सस्पेंशन टेलीस्कोपिक मिलता है, उसके साथ ही 17 इंच की व्हील है, और आप देख सकते हो शानदार रेड कलर के अंदर ग्राफिक्स दिया गया है, और ये है 260 mm डिस्क ब्रेक, बट 150 के अंदर मिलती है 240। और सस्पेंशन का जो डिजाइनिंग है थोड़ा सा चेंज किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्राफिक्स है वो व्हाइट कलर की मिलता है और काफी छोटा है, और यहाँ पे भी आपको सस्पेंशन ऐसा नहीं मिलता है जैसा मिलती है 180 के अंदर, और इसका जो लुक है काफी शानदार और बढ़िया दिख रहा है। और ये है फ्यूल टैंक, दोनों बाइक के अंदर 15 लीटर की फ्यूल टैंक है, और ये है क्रोम के अंदर बैज, और ये है आगे की स्पॉइलर, और दोस्तों शानदार रेड और ब्लैक कलर के अंदर स्टिकर्स मिलता है, और इस साइड पे भी आपने देख लिया तो आपको मिलती है स्टिकर और ब्लैक कलर की इल्यूमिनेट के साथ, और पीछे आपने देख लिया तो आप देख सकते हो 180 की स्टिकर दिया गया है, और ग्राफिक्स काफी शानदार है और स्प्लिटेड ग्रैब हैंडल के साथ आती है। बात करेंगे 150 की, तो 150 की भी अंदर भी 50 लीटर की फ्यूल भर सकते हो, उसके साथ ही क्रोम का बैज दिया गया है, शानदार व्हाइट कलर के अंदर स्टिकर दिया गया है, बट 180 के अंदर मिलती है रेड कलर की स्टिकर्स, और आगे का स्पॉइलर भी है 150 के अंदर, और ये है
ग्राफिक्स और ब्लैक कलर की इल्यूमिनेट के साथ आती है। और पीछे भी आप देख सकते हो 150 का स्टिकर दिया गया है, जैसा मिलता है वैसा ही। दोस्तों ग्राफिक्स में दोनों बाइक सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं। और पीछे यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलते हैं स्प्लिटेड, बट इसके अंदर आप देख सकते हो सिंगल ग्रैब हैंडल दिया गया है। और ये सिंगल सीट के साथ आती है और ये आती है स्प्लिटेड सीट के साथ, ये डिफरेंस है, बट ग्राफिक्स में डिफरेंस नहीं है। और ये है एग्जॉस्ट, उसके ऊपर सिल्वर कलर की प्रोटेक्टर दिया गया है, 5-way एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, पीछे 130mm की डाई होने वाला ड्रम ब्रेक है, और ये है ट्यूबलेस रेडियल टायर। और दोस्तों फ्लेक्सिबल इंडिकेटर के साथ आती है, और पीछे का टायर का साइज है 100mm। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेम साइलेंसर मिलता है 180 के अंदर भी, जैसा आप देख सकते हो वैसे ही है। बट दोस्तों पीछे की जो सस्पेंशन है वो है 5-way एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है, उसके साथ ही पीछे 230mm की डिस्क ब्रेक है, और पीछे 150 में डिस्क ब्रेक नहीं दिया गया है, बट 180 के अंदर रियर डिस्क दिया गया है। और शानदार रेड कलर के अंदर ग्राफिक्स, और उसके अंदर व्हाइट कलर की ग्राफिक्स दिया गया है 150 के अंदर। बात करेंगे टेल लैंप की, तो एलईडी टेल लैंप है 180 के अंदर, और कुछ ऐसा दिखती है इसकी बैक प्रोफाइल। बात करेंगे 150 की, तो 150 का भी टेल लैंप सेम है, एलईडी ही मिलता है, और ये है रिफ्लेक्टर। और दोस्तों ये है सिंगल ग्रैब हैंडल, बट 180 के अंदर स्प्लिटेड दिया गया है, क्योंकि ये चेंज है रियर प्रोफाइल में, इसके वजह से मैं आपको दो बार दिखा रहा हूं। दोस्तों 180 सीसी का इंजन है, देती है 17 पीएस पावर और 14 Nm टॉर्क देता है। ये एक सिंगल सिलेंडर इंजन है, कार्बोरेटर के साथ आती है। और दोस्तों ये एक मैनुअल ट्रांसमिशन इंजन दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ब्रेक पेडल, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये है गियर का लीवर, कुछ ऐसा स्टाइल में दिया गया है। और दोस्तों 150 पल्सर की कुछ ऐसा ब्रेक पेडल मिलती है, और दोस्तों गियर लीवर कुछ ऐसा स्टाइल में मिलता है। और दोस्तों 180 के अंदर ये दोनों चीज चेंज है, थोड़ा सा स्टाइलिश दिया है 180 के अंदर। बात करेंगे इंजन की, तो इस बाइक के अंदर 150 सीसी का इंजन है, देती है 14 BHP का पावर और 13 Nm का टॉर्क देता है। ये एक 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन इंजन है, और ये है इसकी व्हील कवर, और लेडीज के लिए लेग रेस्ट दिया गया है। उसके साथ ही दोस्तों 180 के अंदर चैन कवर नहीं दिया गया है, आप देख सकते हो। बात करेंगे दोस्तों टैंक के ऊपर कौल दिया गया है, आप देख सकते हो। दोस्तों बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, आप देख सकते हो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। और दोस्तों ये है 150 सीसी स्टैंडर्ड की कुछ ऐसा स्टाइल में दिया गया है। चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, और आप देख सकते हो एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, सर्विस इंडिकेटर, ये सारे सुविधा इसके अंदर दिया गया है। सराउंडिंग क्रोम की हाईलाइट दिया गया है। दोस्तों ये है अपर डिपर की बटन, ये है इंडिकेटर, और ये है इसकी हॉर्न है, और ये है इंजन की किल करने के लिए किल स्विच, और इंजन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन दिया गया है। और दोस्तों आप देख सकते हो कई सारे लोगों ने मुझे पूछा था क्या 150 सीसी में किक मिलता है, आप देख सकते हो किक दिया गया है, उसके साथ ही पावर स्टार्ट भी ऑप्शन दिया गया है, दोनों ऑप्शन 150 में है।
और 180 में नहीं है, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट दिया गया है 180 में। और दोस्तों ये है 180 की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कुछ ऐसा स्टाइल में मिलती है। और इसका आप देख सकते हो व्हाइट कलर की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बट इसका है ब्लैक कलर की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आती है। और इसके अंदर भी ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और सर्विस इंडिकेटर और कार्बन फाइबर का हाईलाइट सारे इसके अंदर दिया गया है। अपर डिपर की स्विच है इसके अंदर भी, और ये इंडिकेटर की हॉर्न की व्हाइट कलर इल्यूमिनेशन के साथ आती है। किल स्विच की है, और ये है पावर स्टार्ट है। दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ किक, यहाँ पे आप देख सकते हो 180 के अंदर किक स्टार्ट नहीं है, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट की आती है। और ये है सेल्फ स्टार्ट आप देख सकते हो, बट 150 के अंदर किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट दोनों भी दिया है, बट 180 के अंदर सिर्फ सेल्फ स्टार्ट दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ऑयल लेवल को चेक करने के लिए ऑयल लेवलर है। दोस्तों पायलट लैंप को जलाने के बाद 180 का लुक कुछ ऐसा दिखती है और 150 का लुक कुछ ऐसा दिखता है, दोनों भी काफी बढ़िया और काफी वैल्यू फॉर मनी बाइक है। आई थिंक 150 सीसी बाइक काफी वैल्यू फॉर मनी है कम्पेयर टू 180। ये दोनों बाइक के अंदर बहुत कुछ चेंज नहीं है, काफी मेजर चेंजेस किया गया है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 150 ही परचेज कीजिए, और 180 को डिसकंटिन्यू किया गया है बजाज ने। अब आपको 180F मिलेगा, 180cc ऐसा बाइक नहीं मिलेगा। दोस्तों ये तो छोटा सा अपडेट आपके साथ शेयर करने का मन किया। क्या आपको ये वीडियो पसंद है? पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने ऑटो एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक मसालेदार एपिसोड में। गुड बाय।